आपके वास्ते गुना सही, हम पिए तो सवाब बनती है। सो गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। दोस्तों, किसी शायर की लिखी ये लाइन शराब की क्या खूब तारीफ करती हैं। वैसे दोस्तों, दुनिया की एक आबादी शराब को निषेध मानती है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। खैर, आज हम यहाँ शराब की नहीं बल्कि शराब के ही एक प्रकार विस्की की बात करने वाले हैं। और विस्की में भी कोई ऐसी वैसी विस्की नहीं बल्कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर विस्की इंपीरियल ब्लू के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इंपीरियल ब्लू कैसे बनती है, इसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है, विस्की पीना क्या आपके हेल्थ के लिए सही है या नहीं, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दोस्तों, साल 1997 में पर्नोल्ड रिकॉर्ड नाम की कंपनी ने इंपीरियल ब्लू को लॉन्च किया था। इंपीरियल ब्लू एक इंडियन विस्की ब्रांड है। दोस्तों, टीवी वगैरह में आपने मैन विल बी मैन करके एक एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा, वे इंपीरियल ब्लू का ही एक एडवर्टाइजमेंट है। दोस्तों, अगर इंपीरियल ब्लू में अल्कोहल की बात करें तो इसमें 42.8% अल्कोहल पाया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई इंपीरियल ब्लू और आपकी जान पहचान, अब आइए जानते हैं कि ये बनती कैसे है। दोस्तों, इंपीरियल ब्लू को तैयार करने से पहले फैक्ट्री में इसकी बोतलों को तैयार किया जाता है। बोतलों को तैयार करने के लिए यहाँ कांच को पिघलाया जाता है। कलरफुल बोतल तैयार करने के लिए पिघले हुए कांच में कलर मिलाया जाता है और फिर एडवांस मशीन की मदद से पिघली हुई कांच से बोतलों को तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंपीरियल ब्लू यानी विस्की को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वे हैं अनाज। अनाज में मेनली जौ, मॉल्ट, राई, गेहूं और मक्का को उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, विस्की बनाने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वे मॉल्टिंग होता है। इसमें अनाज को सबसे पहले 12 घंटों के लिए भिगोया जाता है। 12 घंटे में अनाज पानी को सोख लेता है। अब इस अनाज को सुखाया जाता है। इसके लिए इस अनाज को फर्श पर फैलाकर छोड़ दिया जाता है। इन्हें पूरी तरह से सूखने में 6 से 7 दिन का समय लगता है। दोस्तों, जिसके बाद इन्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। जहां इन्हें एक बार फिर से सुखाया जाता है। लेकिन इस बार सुखाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इसे एक कमरे में फैला दिया जाता है और इस कमरे से अटैच एक खिड़की होती है जिसमें आग लगा दी जाती है। इस आग का धुआं और गर्मी ही इन्हें सुखाने में मदद करती है। यहाँ आग को जलाने के लिए कोयला के साथ कुछ सूखे सामान को भी मिलाया जाता है ताकि इससे निकलने वाला धुआं अनाज में एक अच्छी खुशबू पैदा कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट डे इस अनाज को इस एडवांस मशीन की मदद से चेक किया जाता है कि अनाज अगले प्रोसेस के लिए तैयार है या फिर नहीं। ओके होने के बाद सारे अनाज को कन्वेयर बेल्ट की मदद से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां सारे अनाज को पीस लिया जाता है। अनाज को पीसने के बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए भेजते हैं। इस प्रोसेस में एक बड़े से टैंक में इसको डाला जाता है और इसमें पानी मिलाकर इसको गर्म किया जाता है। यहाँ 10 घंटे तक लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। इसमें 3-4 बार पानी को ऐड किया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पर इसे गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस में अनाज से एंजाइम अलग हो जाते हैं जिससे शुगर बनती है। अब इसे फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है, जहां इसमें ईस्ट मिलाया जाता है जो शुगर से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब इस लिक्विड को डिस्टिलेशन के लिए 3 बड़े बड़े कॉपर के टैंक से गुजारा जाता है, जहां इसमें स्प्रिट तैयार होती है। दोस्तों, तैयार स्प्रिट को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ कास्ट फिलिंग का काम होता है। यहाँ स्प्रिट को कास्ट यानी बैरल्स के अंदर भरा जाता है। अब इन बैरल्स पर डेट डालकर इन्हें बेयर हाउस में रख दिया जाता है
और मिनिमम 3 साल तक इन्हें वेयर हाउस में रखा जाता है। 3 साल बाद इन बैरल्स को बाहर निकाल कर इन फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है, जहां तैयार की गई बोटल्स में इन्हें भरा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, मशीन की सहायता से विस्की को बोतल के अंदर भरने के बाद इनकी लेवलिंग की जाती है और फिर इन्हें बॉक्सेस में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों हर कंपनी विस्की को इसी तरह से तैयार करती है, बस हर किसी के प्रोसेस में थोड़ा फर्क होता है। हालांकि सभी कंपनियों के अपने अपने कुछ खास इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने विस्की को बनाने में करती हैं। दोस्तों अब जो सवाल लोगों के दिमाग में अक्सर आता है कि क्या विस्की पीना हेल्थ के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं, तो दोस्तों बता दें, विस्की हो या नींबू पानी, कोई भी चीज तभी फायदा पहुंचाती है जब उसका सेवन एक लिमिट में किया जाए। विस्की को कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो रक्त में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। विस्की के सेवन से जुखाम और एलर्जी जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है। ये पाचन को भी ठीक रखती है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी ठीक होता है और वजन कम करने में भी आसानी होती है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप विस्की का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनती है इंपीरियल ब्लू विस्की। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।